अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। ये मेरे हाथ में एक जंगली कबूतर है, आप देख सकते हैं, और इसको मैंने यहाँ से पकड़ा है अपनी विंडो से। यहाँ पर मैं इनको दाना वगैरह डालता हूँ, तो इसको मैं आज 3-4 दिन से नोट कर रहा था। बहुत ज़्यादा मुश्किल से बैठता था और बिल्कुल जो है ना ज़मीन पर बैठ के, यानी विंडो के साथ बिल्कुल चिपक के बैठ के खाना खाता था। तो अभी जो है इसको मैंने आज जब पकड़ा है तो मुझे ऐसा शक था, इसकी जो टांगे हैं दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी टांगे आप देखें बिल्कुल ख़राब हो गए हैं दोनों पाँव। और इसके पाँव ख़राब होने की वजह सिर्फ और सिर्फ धागे हैं, आप देख रहे हैं इस वाले के धागा, इसके यहाँ बिल्कुल धागा लिपटा हुआ है और ये वाला पंजा तो इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिस वजह से बेचारा चल नहीं सकता और खड़ा भी नहीं सकता, तो बिल्कुल बैठ के ये खाता है और उड़ सकता है। और ये वाला पंजा भी इसका बिल्कुल जो है ख़त्म होने के करीब है, इसको धागा लिपटा हुआ है पूरी तरह से। तो मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो अपने कचरा फेंकते हैं उसमें देखा करेंगे धागे वगैरह और जो तारे डोरियाँ वगैरह होती हैं उनको ऐसे जला दें, इस तरह से फेंकेंगे वो किसी परिंदे के पाँव में ना लटके। मैंने बहुत सी पिक्चर्स इससे पहले भी देखी हैं जिससे गले में इनके जो डोर वगैरह लिपट जाती है, धागे लिपट जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसको कोशिश करूंगा, इसकी डोर ये काटूँ, काटने की पूरी कोशिश करूंगा और इसको देखूंगा इंशाल्लाह कि इसका पाँव जो है ठीक हो सके। ये वाला तो ठीक नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया, और इसकी मैं कुछ कोशिश करता हूँ, दवाई वगैरह लगाऊंगा इसको और फिर इसको मैं आज़ाद कर दूंगा। तो दिखाता हूँ इंशाल्लाह, मैं इसको कोशिश करता हूँ काटूँ पहले, काट के फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी, एक छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आप जंगली परिंदों का ख्याल रखा करें, ये हमारे साथ रहते हैं और हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसलिए आप कोशिश किया करेंगे इनके ख्याल करें और इनका जो नुकसानदेह चीज़ें हैं उनसे दूर रखें। तो इस तरह धागे वगैरह जो आप कचरे में डालते हैं, ये कहीं अगर किसी परिंदे को आप पाँव में ये कहीं लगा हुआ देखते हैं और आप इसको निकाल सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो आप कोशिश किया करेंगे इसको पकड़ के जो है कि धागे वगैरह निकाल दिया करें। जी दोस्तों, तो जितने धागा कट सकते थे मैंने काट दिए और पाँव जो आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी हद तक साफ किए, मगर ये जो कुछ धागा नज़र आ रहा है बिल्कुल इसके पाँव के अंदर चला गया और ये कट नहीं रहा। बहरहाल जो बंधा हुआ था जितना भी ये ऊपर ऊपर लपेटा हुआ था सारा मैंने काट दिया और इसको दवा भी लगा दिया मैंने, और इसको मैं छोड़ने लगा हूँ। ये अली टांग बिल्कुल साफ कर दिया मगर ये बहुत ज़्यादा पाँव ख़राब हो गया, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और ये आता रहेगा। अभी मैं इसको छोड़ने लगा हूँ तो यहीं पर छोड़ देता हूँ और ये फिर वापस आएगा, अभी तो चला गया।